नमस्कार, हम बात करने जा रहे हैं कैसे एक मामला सामने निकल कर आया है जिसमें एक मौत की खबर आ रही है। दरअसल मौत की खबर इसलिए चर्चा का विषय बन गई है क्योंकि वैक्सीन लगाने के 24 घंटे बाद ही बता रहे हैं कि इसी दौरान जो है ये मौत हुई है। अब इसको लेकर के जो परिवार का आरोप है वो ये कह रहा है कि ये जो मौत हुई है इसकी वजह कोरोना का टीका है जो लगातार वैक्सीन अलग अलग फ्रंटलाइन वर्कर्स को लग रही है इन फील्ड ऑफ मेडिकल, और इसके बाद पूरी तरह से हड़कंप मच गया। एक तरह से प्रशासन में भी इसको लेकर के अलर्टनेस आ गई कि आखिर हुआ क्या, 24 घंटे के अंदर अगर मौत हुई है तो उसकी बड़ी वजह क्या है। हालांकि पोस्टमार्टम जब हुआ बॉडी का तो उसके बाद जो जानकारी सामने निकल कर आई वो ये बता रही है कि हार्ट अटैक से मौत हुई, लेकिन इसको लेकर के अभी भी जांच करनी इसलिए अहम हो जाती है कि हार्ट अटैक की वजह क्या थी। क्या हार्ट अटैक की वजह तेजी, जो ब्लड प्रेशर, जो बीपी होता है उसमें तेजी आना था, क्या घबराहट ज्यादा थी या किसी तरह की कोई और समस्या थी, आर्टरी ब्लॉकेज था, आखिर इसका कारण क्या था हार्ट अटैक का, इसकी जो वजह है वो सामने निकलकर जब तक नहीं आ जाती तब तक ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि इसके पीछे कोरोना का टीका एक वजह थी या और कोई अदर प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये मौत हुई है। लेकिन इसको लेकर के परिवार का ये आरोप है कि टीका लगाने की वजह से मौत हुई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि ये मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।